Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video, we are going to give you some more information about IIM Shillong. Established in the year 2008, located in one of the beautiful northeast states, Meghalaya, this is one of the best among the new IIMs. IIM Shillong ke baare mein hum log kya kya dekhenge? As usual, courses, seats, expected expenses, cutoffs, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस, बैच प्रोफाइल एंड प्लेसमेंट सिनेरियो. हम लोग बाकी की बकचोदी में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए जो काम की इन्फॉर्मेशन है फॉर स्टूडेंट वही हम लोग देते हैं. ओके, स्टार्टिंग विथ कोर्सेज एंड सीट्स. फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ IIM Shillong इज 2 ईयर PGP. तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें इनटेक कितना है फॉर द ईयर 2021 ये नहीं दिखा. ओके, शायद हम लोग नहीं लोकेट कर पाए होंगे वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट से बोल रहा हूँ मैं. ओके, कोई एरे गेरे वेबसाइट पे नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम लोग इन्फॉर्मेशन उठाते हैं. उसका सब लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ IIM Shillong इज 2 ईयर PGP. अदर देन दिस दे ऑल्सो हैव एग्जीक्यूटिव एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स. एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, द ट्यूशन फीस आर अराउंड 14 to 15 lakhs. And the cost of living in Meghalaya is not as high as that in Ahmedabad, Bangalore or Calcutta. So, hum log 3-4 lakhs for the duration of 2 years pakad ke chale, to bhi around 18 lakhs tak ka aapka total expenses rahega, including everything, hostel and everything. Okay. Ab aati hai baat exams and cutoffs pe. To IIM Shillong accepts CAT as well as GMAT scores. बट हम लोग कैट के स्कोर के बारे में बताएंगे. तो द मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर द कैटेगरीज इज दिस. यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक द नंबर्स. देन एलिजिबिलिटी. तो एलिजिबिलिटी के बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करी है, जैसे 10th का कितना स्कोर चाहिए, 12th का कितना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना चाहिए, ये सब कुछ नहीं डिस्क्लोज किया है. द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 50% फॉर द जनरल कैटेगरी and accordingly that is 45% for ST and other categories. Okay, sabse important cheez aati hai admission process. To round 1 for PI, to admission process unhone kya disclose kiya hai, they will consider your CAT scores, your profile scores, your gender and academic diversity. And based on these overall scores, your application will be rated. Based on your application rating score, you will be called for personal interviews. So yet personal interviews were conducted online. For the batch of 2021, they did not have any other round other than personal interviews because VAT wagara wo log nahi conduct kar paye because of the COVID scenario. Fir, फाइनल एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कैट का स्कोर कंसिडर किया जाता है, आपका प्रोफाइल कंसिडर किया जाता है, करेक्ट. अगेन ये दोनों पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं एंड अलॉन्ग विद दीज आपका PI को बहुत ज़्यादा वेट दिया जाता है. एंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्कोर ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स विल बी गिवन एडमिशन इन IIM Shillong. सो आप अगर IIM Shillong में लैंड करते हो तो आप किस तरीके के बैच के साथ पढ़ोगे ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो बैच प्रोफाइल ऑफ द बैच ऑफ 2018-2020 जो अवेलेबल था उनकी वेबसाइट पे वो हमने लिया है. सो देर वर 175 स्टूडेंट्स इन दिस बैच. जेंडर डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करी है उन्होंने. तो आप एक चीज़ देख रहे हो, IIM AB ब्लैकी में से भी IIM कोझिकोड में अच्छी जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन थी, 7:3 का रेशो था. यहाँ पे भी 6:4 का रेशो है ऑलमोस्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रेशो. ओके, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? तो एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा अभी बायस्ड रहता ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते. 57% ऑफ द बैच इज इंजीनियर्स एंड अदर 43% ऑफ द बैच इज नॉन इंजीनियर्स. सो यहाँ पे बहुत अच्छा एकेडमिक डाइवर्सिटी भी इन्होंने मेंटेन करा है. यूजुअली 75-80% ऑफ द बैच इज इंजीनियर्स इन अदर ओल्ड IIMs, बट IIM Shillong में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यू IIMs. यहाँ पे 60-40 का रेशो है, अगेन सेम एज जेंडर डाइवर्सिटी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. फिर वर्क एक्सपीरियंस बाय मंथ्स भी अच्छी चीज़ें हैं कि फ्रेशर्स 45% ऑफ द बैच इज फ्रेशर्स. देन 24% ऑफ द बैच
has the experience ranging from 1 to 18 months. मतलब अच्छा एक्सपीरियंस काउंट किया जाए अगर 12 मंथ से ज़्यादा तो यहाँ से भी अराउंड 10% बैच रहेगा जिनका 12 मंथ से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मोर देन वन ईयर. तो ये 26, 10, 36, 40, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बैच हैज़ मोर देन वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बैच इज फ्रेशर्स और 0 to 1 year एक्सपीरियंस. डोमेन वाइज वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये ब्रेकअप देख सकते हो. तो मोस्ट ऑफ द बैच इज फ्रॉम आईटी एंड फाइनेंस बैकग्राउंड. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बैच इज फ्रॉम आईटी एंड फाइनेंस बैकग्राउंड. ओके, सो ये सब चीज़ें कहाँ पे काम में आती है? प्लेसमेंट सिनेरियो में. क्योंकि जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस को ज़रूर वेटेज देती है. उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोफाइल भी उतना ही डाइवर्स हो जाता है फाइनल प्लेसमेंट का. ओके, थोड़ी नज़र डालते हैं फाइनल प्लेसमेंट की तरफ. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द बैच of 2018-2020 only. Same batch. जो batch pass out हुआ था 2020 में. तो total number of offers कितने offer करे गए थे? 170. कितने लोगों ने participate किया था? 170. Total number of offers were offered 185. 60 recruiters आए थे. तो average की जगह पे average नहीं देखते, usually median salary देखना चाहिए, which is 17 lakh. Which is a very very good number for a new IIM. ओके, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 2008. तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कवर कर लिया है. ऑल द ब्लैकी हैव मीडियन सैलरी रेंजिंग मीडियन सैलरी इन द रेंज ऑफ 22-24-25. तो उसके हिसाब से 17 लाख का मीडियन सैलरी मतलब बहुत अच्छा है. एवरेज 18 लाख का है, 18.75, हाईएस्ट 48, एंड दिस इज द अदर ब्रेकअप. ओके, अभी हम लोग देखेंगे इनका डोमेन वाइज ऑफर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. कंसल्टिंग, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो आई एम ए बी सी या लखनऊ कोझिकोड़े इंदौर के ग्रेजुएट्स को कंसल्टिंग प्लेसमेंट कंसल्टिंग प्रोफाइल ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर हाई डिमांड इन द पैकेज. तो वो सब अच्छी कंपनीज, यहाँ पे जनरली स्टार्टअप्स रहते हैं या तो फिर बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं जो 20-25 लाख देना या 30-35 लाख देने में नहीं भरोसा करते. वो बोलते कि अगर हमें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स में और आई एम ब्लैकी के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, हार्डली 3-4% का एंड थोड़ा प्रोफाइल का 19-20 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं. यहाँ पे भी जो लोग लैंड होते हैं उनको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे हैव गॉटन अ कॉल फ्रॉम ब्लैकी, राइट, ओल्ड आई एम्स. तो वहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है इंटरव्यूज में, 1-2 मार्क्स से वो लोग पिछड़ जाते हैं, इसकी वजह से वो यहाँ पे लैंड करते हैं. तो ये कंपनीज को यही स्टूडेंट्स थोड़े कम प्रोफाइल पैकेज में मिल जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस कॉलेज आल्सो हैव अ गुड नंबर ऑफ कंसल्टिंग प्रोफाइल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट एंड ऑल. सो दीज थ्री प्रोफाइल्स कंसिस्ट द फॉर्म द मेजर चंक ऑफ द प्रोफाइल्स ऑफर्ड. ओके, ऑलमोस्ट 80-75% ऑफ द प्रोफाइल्स आर इन दीज थ्री डोमेन. सेक्टर वाइज ऑफर्स अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ऑफर्स आर फ्रॉम बीएफएसआई सेक्टर. ओके, अदर सेक्टर्स में भी अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द बैच इज प्लेस्ड इन बीएफएसआई सेक्टर. डोमेन हाईलाइट देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. जैसे कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटेजी में हाइएस्ट प्लेसमेंट भी कुछ कम नहीं जाता है, 40 लाख का हाइएस्ट प्लेसमेंट है गाइज कंसल्टिंग में. आई एम शिलोंग में भी, सो आई एम ए बी सी लखनऊ कोझिकोड़े एंड इंदौर में भी ऑलमोस्ट इसके अराउंड था, 40-45 के अराउंड ही था कंसल्टिंग में हाईएस्ट पैकेज. ओके, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग का भी हाईएस्ट पैकेज 26 लाख का जाता है. सो इन्होंने अभी यहाँ पे डोमेन वाइज जो दे दिया है उसमें एवरेज पैकेज एंड मीडियम सैलरी में नहीं डिस्क्लोज किया है, उन्होंने सिर्फ हाईएस्ट पैकेज दिया है. So these are all the highest packages offered in the different domains. Finance में 28 का है, general management में 24 का है, and what is more surprising is this one. Generally HR का highest package जाता है XLRIs में, TIS में and all. Correct, but I am Shillong में 48.5 का highest package in HR is a very very good. Actually it is surprising for me, but होगा obviously. कंपनीज भी अच्छी अच्छी है ना, तो हो सकता है, राइट. आईटी एनालिटिक्स का 18 एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट आई एम शिलोंग. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन द लिंक्स, यू कैन विजिट द लिंक्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड अगर आपको कोई कॉलेज के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
Till then, best of luck for your CAT 2021 preparation. Thank you guys. Jai Hind.